हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के आई वी वैकेंसीज के बारे में। ये अप्रेंटिसशिप है, सो मैं पहले ही बता देता हूँ, जो लोग ये परमानेंट जॉब खोज रहे हैं तो ये अप्रेंटिसशिप है जो कि 1 ईयर के लिए रहेगा, मैक्सिमम 15 मंथ्स के लिए है कुछ पोस्ट के लिए। तो ये अप्रेंटिसशिप है, परमानेंट जॉब नहीं। सो जो इस वीडियो को परमानेंट जॉब के लिए देख रहे हैं सो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, और जो अप्रेंटिसशिप के लिए मतलब करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है तो वीडियो को देख सकते हैं। ये अप्रेंटिसशिप आपका आईटीआई वालों के लिए आया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रेड अप्रेंटिसशिप है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीसियन, MMV, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, फिर देन आपका कोपा, देन आपका फूड प्रोडक्शन, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबोरेटरी ऑपरेटर, अटेंडेंट ऑपरेटर, अकाउंटेंट, बैक ऑफिस अप्रेंटिस, एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग, एग्जीक्यूटिव HR, एग्जीक्यूटिव CS, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड ए, देन आपका ऑफिस असिस्टेंट, वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव, देन स्टोर कीपर, देन डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये सारा पोस्ट है आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पे वैकेंसी। तो ये आपका ट्रेड है, आपको इसमें अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा 1 ईयर का। अब इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, सभी के लिए 10th पर प्लस आपका ITI मांगा गया है। तो ITI आपका जो भी है कोर्स में वो आप देख सकते हैं, अगर आपका जिस कोर्स में है अगर वो यहाँ पे वैकेंसी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो नीचे कुछ कुछ पोस्ट है जहाँ पे आपका BSc भी मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट से आपका यहाँ पे BSc मांगा गया, देन BCom मांगा गया है, देन आपका बैक ऑफिस अप्रेंटिस में ग्रेजुएशन मांगा गया। किसी भी आप कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन वो इंजीनियरिंग की फील्ड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका देख सकते हैं ये बात, आपका इंजीनियरिंग को यहाँ पे नॉन एलिजिबल किया गया है, यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस में या फिर आपका जो भी आपका BCom हो, BA हो, इसमें आप यहाँ पे ग्रेजुएशन में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट आप देख सकते हैं MBA मांगा गया है यहाँ पे, देन MBA मांगा गया HR में, MCA मांगा गया है एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर साइंस में, और ये सारा आप देख सकते हैं 12th पास के लिए भी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, ITI वालों के लिए बेस्ट है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट होल्डर और फ्रेशर अप्रेंटिस, ये दो चीज़ आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको बोलूँगा पूरा का पूरा आप नोटिस ही पढ़ ले अप्लाई करने से पहले अच्छे से एक बार अपनी तरह से फिर से, तभी अप्लाई करें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये चीज़ लिखा गया है 21 पोस्ट नंबर और 22 पोस्ट नंबर के लिए है भाई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किल सर्टिफिकेट होल्डर यहाँ पे आपका लिखा गया है, ये आपका यहाँ पे कंपलसरी है। आपने यहाँ पे कोई कोर्स किया होना चाहिए NSQF की तरफ से, जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है, जो कि 1 ईयर से कम का होता है, कहीं 6 मंथ का, कहीं 8 मंथ का, कहीं 4 मंथ का होता है, जैसा कोर्स आपका डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे वो मांगा गया पोस्ट नंबर 21-22 के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात था। देन आप बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका क्या क्या ट्रेड के लिए कोड है, तो कोड आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे आप बात कर लेते हैं आप अप्लाई का यहाँ पे क्या क्या है, तो देख सकते हैं 18 से 24 ईयर के अंदर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और आप कभी भी इसे पहले अप्रेंटिसशिप नहीं किए हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। देन हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, सो अगर आप जो भी क्वालिफाइड है वहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन अब यहाँ पे बात कर सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, हायर क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि आप अप्लाई कर रहे 12th वाले पे और आप अगर ग्रेजुएट किए हुए हो तब आप एलिजिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप हायर क्वालिफिकेशन किए हुए हैं, जैसे आप ग्रेजुएट किए हुए हैं और आप बोल रहे कि हम 12th का इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं, आपके पास वो डिग्री होना चाहिए, 12th है तो 12th का होना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। तो यहाँ कहने का मतलब ये था। देन आप बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको ट्रेड के लिए आपको कितना कितना यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 1 से 12 के लिए, जो कि ITI वालों के लिए है मैक्सिमम, तो वहाँ पे आपको 8,050 रुपीज़, देन आपका यहाँ पे 13-20 जो आपका कोड है उसके लिए आपको 9,000, देन आपका 21 एंड 22 कोड के लिए आपका 7,000, देन अब लास्ट आपका जो 23 एंड 24 था उसके लिए आपको 3 मंथ, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ आपको 3,500 मिलेगा, देन आपको 12 मंथ के लिए उसके बाद आपको 7,000 मिलेगा। इन दो कोड के लिए आपका यहाँ पे कोर्स जो होने वाला है, आपका जो अप्रेंटिसशिप वो 15 मंथ का होने वाला है। यही चीज़ आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे आपका
वन ईयर के लिए रहने वाला है सभी कोड के लिए, लेकिन 23 और 24 कोड के लिए आपका यहाँ पे 15 मंथ रहने वाला है। मोड ऑफ सेलेक्शन क्या होने वाला है, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो ITI का बेसिस पे मार्क्स है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, द सेलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ITI ट्रेड्स। तो आपका जो ITI में मार्क्स उसके बेसिस पे होने वाला, जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसको आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। देन अगर वहाँ पे आपका टाई हो जाता है तो आपको 10th बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा, आपका 10th में जिसका ज़्यादा हो। अब आपको अप्लाई कैसे कर लेना है, आपको अप्लाई सबसे पहले करना है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपको जाकर रजिस्टर कर लेना है। अगर अभी भी आप अभी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है ITI वाले कैंडिडेट हैं, तो apprenticeshipindia.org पे आपको जाके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, आप YouTube पर सर्च मारिएगा ITI अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन, आपको मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, अगर आप रजिस्टर पहले से कर चुके हैं तो आपको सीधे आ जाना है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, एक लिंक भी मिल जाएगी, और आप नहीं तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं CPCL की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको सीधा एक फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म फिल कर लेने के बाद उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट भी कर लेना है, या फिर आपको उसके PDF को सेव करके रख लेना है फ्यूचर के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया वेरिफिकेशन फॉर देयर रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए। अब लास्ट डेट यहाँ पे आपको एक यहाँ पे नवंबर को लास्ट डेट रखा गया, और स्टार्ट आपका ये हो रहा है अक्टूबर में ही। सो स्टार्टिंग डेट आपका यहाँ पे 18 अक्टूबर है, और आपका लास्ट डेट 1 नवंबर है, 1 नवंबर। तो आप 1 नवंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें, इसमें कोई फी नहीं लिया जाता है। सो अप्रेंटिसशिप है 1 ईयर का, सो आप इसे इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं।